वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल द सीतेश हियर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हेल्टोकोन साइकोसिस। ये एक साइकाइट्रिक का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है, इसके ऊपर हम हेल्टोक बनाने वाले हैं आज। ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे हमारा स्टूडेंट के तौर पर। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आपको हेल्टोक बनाना है तो आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपका नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट, इसके बाद सब्जेक्ट लिख लेंगे हम, टॉपिक लिखेंगे टॉपिक का नाम जो भी है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या यूज़ करने वाले हैं, क्लास लिख लेंगे यहाँ पर क्लास वाले सेक्शन में, फिर एवियर्ट्स क्या क्या यूज़ करोगे आप, एवियर्ट्स के बारे में लिख लो, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, फ्लैश कार्ड, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो लिख लेंगे हम। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहने वाले हैं इसके बारे में लिखेंगे, टाइम ड्यूरेशन के बारे में लिखेंगे, कितनी देर हमको लगेगी प्रेजेंट करने में हेल्टोक। इसके बाद डेट के बारे में लिखेंगे, किस डेट को हम हेल्टोक प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे ग्रुप मेंबर्स की, भाई टॉपिक से रिलेटेड पहले से ग्रुप मेंबर्स को कितनी इन्फॉर्मेशन है, टॉपिक के बारे में कुछ जानते भी है या नहीं जानते, साइकोसिस के बारे में मतलब बेसिक थोड़ी बहुत नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जनरल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा एट द एंड ऑफ द हेल्टोक द ग्रुप विल बी एबल टू नो अबाउट साइकोसिस। जनरल ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा कि जब हेल्टोक ख़त्म होता है तो उस टाइम पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत सभी को जानकारी मिल जाए साइकोसिस के बारे में। इसके बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या जाएगा, एट द एंड ऑफ द हेल्टोक द ग्रुप मेंबर्स नो अबाउट, किस किस के बारे में जान जाएंगे, जैसे कि पहला हो जाएगा पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोसिस, डेफिनेशन ऑफ साइकोसिस, इंसिडेंसेस ऑफ साइकोसिस, कॉजेज ऑफ साइकोसिस, सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस एंड लास्ट में प्रिवेंशन ऑफ साइकोसिस। तो ये जो भी मेन मेन चीज़ें हैं साइकोसिस रिलेटेड, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, ग्रुप मेंबर्स को, ये हमारा क्या रहेगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम, हेल्टोक बनाने के लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ती है। सबसे पहले इसके अंदर क्या रहेगा, एक कॉलम रहेगा सीरियल नंबर का, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का कॉलम रहेगा, फिर टाइम का, कंटेंट का, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी का, एवियर्ट्स का और एवैल्यूएशन का, ये सारे कॉलम बनाएंगे हम। कैसे भैया, मैंने सीधे पेज में बना रखे हैं, आप आड़े पेज में बनाएंगे इनको। ठीक है, कॉलम बना लेंगे, ये ऊपर का टॉपिक डाल लेंगे और उसके बाद हम जो भी इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का रहेगा एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सीरियल नंबर के अंदर पॉइंट वन डाल के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोसिस के, जानकारी देना, परिचय देना साइकोसिस के बारे में, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके बाद टाइम के अंदर टाइम ले लेंगे हम, कितना टाइम आप प्रेजेंट कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर टाइम भर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कंटेंट के अंदर लिखेंगे, हम साइकोसिस का इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, जैसे कि साइकोसिस इज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दैट कॉजेस पीपल टू परसीव और इंटरप्रेट थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम दोज अराउंड देम, दिस माइट इन्वॉल्व हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा साइकोसिस का। इसके बाद टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के अंदर हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लेक्चर कम डिस्कशन मेथड का यूज़ किया गया है। इसके बाद एवियर्ट्स के अंदर लिख लेंगे हम, क्या क्या हमने एवियर्ट्स का यूज़ किया है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है, फ्लैश कार्ड का यूज़ किया है, वाइट बोर्ड का यूज़ किया है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो लिख लेंगे। और लास्ट में एवैल्यूएशन वाले कॉलम में क्या किया जाएगा, एवैल्यूएशन करेंगे हम स्टूडेंट्स का, जैसे कि जब हमने जानकारी प्रोवाइड करवा दी, इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया, तो लास्ट में हम क्वेश्चन पूछ लेंगे बच्चों से। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जैसे कि साइकोसिस का हमने इंट्रोडक्शन दे दिया तो लास्ट में व्हाट इज साइकोसिस, ये क्वेश्चन हो जाएगा एवैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, सेम ऐसी की ऐसी जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट हैं, उसके बारे में हम लिखते जाएंगे। इसके बाद सेकंड हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ साइकोसिस, ये डेफिनेशन हो जाएगी साइकोसिस की। इसके बाद सेम टीचर लर्निंग एक्टिविटी के अंदर फिर से हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। इसके बाद एवियर्ट्स के अंदर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड कर रहे हैं या फिर व्हाइट बोर्ड कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड कर रहे हैं, वो लिख लेंगे। और एवैल्यूएशन के अंदर फिर से हम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइकोसिस, ये एवैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन के बाद हम इंसिडेंसेस लिखेंगे, साइकोसिस के इंसिडेंसेस क्या हैं, इंसिडेंस हो जाएंगे साइकोसिस के, द इंसिडेंस ऑफ अ साइकोटिक एपिसोड इज अराउंड 50 in 10,000 पीपल, प्रत्येक 10,000 में से 50 व्यक्तियों को साइकोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है, ये इंसिडेंसेस हैं इसके। इसके बाद कॉजेस के बारे में लिख लेंगे हम, कि भाई कॉज फैक्टर क्या रहते हैं साइकोसिस कंडीशन जो अकर हो रही है एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर की, ये किस वजह से अकर हो रही है, क्या इसके कॉज या फिर कारण रहेंगे। कॉज के अंदर लिख लेंगे जैसे फिजिकल इलनेस और इंजरी, इसके बाद एब्यूज और ट्रोमा वाली कंडीशन हो सकती है, रिक्रिएशनल ड्रग्स हो सकती हैं, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, इसके बाद जेनेटिक इनहेरिटेंस के कारण भी हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप के कारण भी हो सकता है। इसके बाद फिर से टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के अंदर लिख लेंगे हम, एवियर्ट्स के अंदर लिख लेंगे जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, लास्ट में एवैल्यूएशन के अंदर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ साइकोसिस क्वेश्चन पूछ लेंगे हम। इसके बाद अगला पॉइंट
क्या रहेगा हमारा सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस, पांचवा पॉइंट। इसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे साइकोसिस की वजह से, तो ये सिम्टम्स हो जाएंगे। सबसे पहले क्या हेलुसिनेशन वाली कंडीशन देखने को मिल रही है हमको पेशेंट के अंदर, इसके बाद डेल्यूजन, फिर डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, कैटाटोनिया, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, इम्पेयर्ड थिंकिंग, ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद में वही टीजन लर्निंग एक्टिविटी के अंदर लिख लेंगे हम लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, एवियट्स के अंदर ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, फ्लैश कार्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपसे फ्लैश कार्ड बनाने के लिए बोला गया तो फ्लैश कार्ड लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट में इवैल्यूएशन के लिए वही क्वेश्चन पूछ लेंगे हम, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। सिम्टम्स के बाद में अब क्या हो गया भाई, हमको पता चल गया कि भाई इंट्रोडक्शन भी हो गया, डेफिनेशन भी होगी, इंसिडेंसेस हो गए, सिम्टम्स हो गए, अब ट्रीटमेंट भाई पता चल गया सिम्टम्स क्या है, तो अब ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, मेडिकेशन और साइकोथेरेपी, दो प्रकार से ट्रीटमेंट चलता है साइकेट्रिक के अंदर। मेडिकेशन के अंदर तो मेडिकेशंस हैं कुछ जो दी जाती है पेशेंट को उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, और साइकोथेरेपी के अंदर थेरेपी रहती है जो पेशेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है। मेडिकेशन के अंदर क्या कह देंगे हम, एंटी मैनिक मेडिकेशन दे देंगे, एंटी डिप्रेसेंट दे देंगे, एंटी साइकोटिक देंगे, और साइकोथेरेपी के अंदर क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं हम, ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, या थेरेपीज प्रोवाइड करवाएंगे हम ट्रीटमेंट के लिए। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के अंदर वही लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, एवियर्स के अंदर ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड जो भी है, लास्ट में इवैल्यूएशन के लिए हम क्वेश्चन पूछ लेंगे फिर से, जैसे कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, ठीक है। ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, और ट्रीटमेंट के बाद लास्ट में हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ साइकोसिस, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है साइकोसिस को। तो इसके अंदर ट्राई टू गेट इनफ स्लीप, प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट, अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, स्पेंड टाइम आउटसाइड, डू रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ये कुछ बेसिक पॉइंट रहेंगे जिनके जरिए बचाव किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर से टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के अंदर लिख लेंगे लेक्चर हम डिस्कशन मेथड, एवियर्स के अंदर ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, फ्लैश कार्ड जो भी है, और लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेंगे हम हाउ टू प्रिवेंट साइकोसिस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसके बाद समरी लिख लेंगे हम, समरी के अंदर क्या रहेगा, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द साइकोसिस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, हमने आज किसके बारे में डिस्कशन किया था साइकोसिस के बारे में, किन हेडिंग के अंडर, ये सारी हेडिंग हो जाएंगी जो हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर भी लिखा था। ये हमारी समरी हो जाएगी। समरी के बाद में कंक्लूजन क्या निकला, एट द एंड ऑफ द हेल्थ ऑफ द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप आर इम्प्रूव्ड, देयर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू साइकोसिस वाज क्लियर्ड, ठीक है। क्या रहेगा, जो भी रेस्पॉन्स है बच्चों का वो हम लिख लेंगे इस तरीके से, ये कंक्लूजन हो जाएगा। कंक्लूजन के बाद बिब्लियोग्राफी, जो हमारा लास्ट पॉइंट रहता है हेल्थ टॉक के अंदर, बिब्लियोग्राफी, जैसे कि हमने जो भी लिखा है इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, हेल्टॉक बनाया है, तो कौन कौन सी बुक का हमने रेफरेंस लिया है लिखने के लिए, कौन सी बुक सजेस्ट की थी, ठीक है, लिखने में या प्रेफर की थी, इसके अंदर हो जाएगा। बिब्लियोग्राफी के अंदर पहली हो जाएगी बुक केपी नीरजा की, एसेंशियल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड नर्सिंग, इसके बाद सेकंड आर श्रीवानी, ए गाइड टू मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, इसके बाद थर्ड बुक हो जाएगी हमारी सैमुअल बी गोस, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन चेंजेस एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एडिशन 4th, ये हमारी बिब्लियोग्राफी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर मेरे को मैसेज करके बताएं, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।